https://www.nv to get missing image description to get missing image descriptions open the context menu https://www.nvsp.in Google Chrome document bullet blo/electoral officers details पूरी कंट्री में किस तरह से किसी भी स्टेट की किसी भी जगह की वोटर लिस्ट किस तरह से डाउनलोड कर सकें, ठीक है। ये आम व्यक्ति भी कर सकते हैं दोस्तों, वो पूरा ओपन पोर्टल है, अधिकारी कर्मचारी भी कर सकते हैं और आम व्यक्ति भी डाउनलोड कर अपनी वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं और अपना ईपिक नंबर देख सकते हैं। जैसा कि अभी भी आपको ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही होगी, जैसे कि वैक्सीनेशन में सर्वे करने के लिए कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट के अनुसार, क्योंकि वोटर लिस्ट 18+ की ही बनती है, 18 के ऊपर की, तो कहा भी जा रहा है कि वोटर लिस्ट के अनुसार देखें कि कितने वैक्सीनेट हुए हैं या नहीं। तो दोस्तों वोटर लिस्ट किस तरह से डाउनलोड करें किसी भी राज्य की, ठीक है। तो हमने टाइप कर दिया यूआरएल में nvsp.in नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल, जैसे टाइप किया दोस्तों तो इस तरह से देखने लगेगा। इसके बाद हम सीधे चलेंगे डाउनलोड इलेक्ट्रोल PDF, ठीक है। इस पर डाउनलोड PDF विजिटेड लिंक करेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा सेलेक्ट स्टेट, तो आपका जो भी स्टेट हो दोस्तों सेलेक्ट वन ऑफ 38 क्लिक कर दें। जैसे मैं मध्य प्रदेश का क्लिक कॉम्बो बॉक्स क्लिक करा, इसके बाद गो पर क्लिक अलर्ट टाइम्स रीडायरेक्टिंग टू स्टेट वेब पेज गो बटन अनटाइटल्ड गूगल क्रोम डॉक्यूमेंट बिजी ब्लैंक, ठीक है। इसके बाद दोस्तों Close. हम क्या करेंगे, यहाँ आपको सेकेंड ऑप्शन ही दिख रहा है वोटर लिस्ट, ठीक है। तो हम सीधे इस वोटर लिस्ट पर क्लिक कर देंगे, क्लिकेबल वोटर लिस्ट विजिटेड लिंक है जनरल इलेक्टर्स, बाद हम सीधे यहां क्लिक कर सकते हैं जनरल इलेक्टर्स और सर्विस इलेक्टर्स, सर्विस इलेक्टर जनरल इलेक्टर्स जो नॉर्मल इलेक्टर्स होते हैं वोटर्स होते हैं वो, और सर्विस इलेक्टर्स कौन है जो कि किसी गवर्नमेंट जॉब में है उनके नाम यहां पर रहते हैं जनरल इलेक्टर्स, जनरल इलेक्टर्स। तो हम इन जनरल इलेक्टर्स पर क्लिक कर देंगे जनरल इलेक्टर्स विजिटेड लिंक हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों Assembly, आपको आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिला सेलेक्ट करना list, है, अपना जिला सेलेक्ट कर लें। इसके बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद असेंबली सेलेक्ट कर लें आपकी, सीईओ मध्य प्रदेश, आपको एक कैप्चा कोड लिखना है। और इसके बाद हम कैप्चा कोड लिखने के बाद यहां सबमिट पर क्लिक कर देंगे, सबमिट बटन। उसके बाद क्या होगा, आपको पीएस नंबर पीएस नो केंद्र क्रमांक इधर 1-3 आपको इस तरह से दिखने लगेंगे, पोलिंग स्टेशन मतदान केंद्र का नाम दिखने लगेगा, पोलिंग स्टेशन एड्रेस दिखने लगेगा, पता दिखने लगेगा, वोटर लिस्ट फाइनल इलेक्टोरल रोल। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, पूरी ग्राम पंचायत वाइज भी रहती है, नगर पंचायत वाइज भी, हर प्रत्येक आप गवर्नमेंट प्राथमिक शैल बावन सेल याक हेड यूडाल कि मतदान केंद्र क्रमांक क्या है उसके हिसाब से आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे मैं आपको एक डाउनलोड करके बताता भी हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक 69 मान लीजिए मतदान केंद्र है, इसका देख लिया हमने कि हाँ हम इसी मतदान केंद्र में आते हैं, तो इसको हमने देख लिया, यहाँ से पता देख लिया, उसके बाद व्यू पर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए मैंने क्लिक किया तो ये देखिए दोस्तों एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें PDF रूप में आपकी जो है निर्वाचक नाम वाली वो प्रदर्शित हो जाएगी, जो वोटर लिस्ट पूरी है आपकी, आपने जो सेलेक्ट किया उस हिसाब से। तो ये पूरा आप देख सकते हैं, आप इसको स्क्रॉल कर करके नीचे आएंगे तो आपको पूरे यहाँ पुरुष महिला तृतीय लिंग कुल कितने हैं सब दिख जाएंगे। आप इसमें आप पूरे नक्शे भी देख सकते हैं, इसके बाद दोस्तों मतदान केंद्र देख सकते हैं। इसके बाद ही यहाँ से आपका जो है वोटर लिस्ट पूरी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर ईपिक नंबर दिखेगा, ये यहाँ निर्वाचक का नाम दिखेगा, ठीक है, पिता का नाम दिखेगा, ग्रह संख्या दिखेगी, आयु लिंग सब दिखेगा। इस तरह से दोस्तों आप पूरी जानकारी आपके ग्राम पंचायत की या गांव की या जिस जगह आप रहते हैं, भाग संख्या जिस भाग संख्या में है, जिस असेंबली में है, वहां की देख सकते हैं। इसी को दोस्तों आप PDF रूप में तो है ही है, तो इसी को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट रख कर भी अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। यदि आपको कहीं काम भी पड़ता तो आपके नाम का पेज, आप इसको केवल अपने नाम का पेज को ही प्रिंट कर उसे कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस है दोस्तों मतदाता सूची वोटर लिस्ट को डाउनलोड करने की। CEO मध्य प्रदेश गूगल क्रोम, CEO मध्य प्रदेश गूगल क्रोम, CEO मध्य प्रदेश subscribe to get missing image descriptions to get missing image descriptions open the context menu। आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो प्रत्येक नए अपडेट के अनुसार प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों आप सभी का बहुत CEO